इसलिए मुझे माफी मिली है, इसलिए उठा
ऐसा परमेश्वर है कि जो लोग जो खून निष्कलंक पवित्र उस मसीह ने सलीब पर बहाया, इसलिए ये मैं उतार जा परमेश्वर में से मैं इसलिए है क्योंकि वो ही हमारे लिए सलीब पर आ गया और जिंदा हुआ। How can you give you peace according to me? So what is the concept of purification and how we can achieve this body? जब हमें ये इंपोर्टेंट रखा तो हमारी कोशिश ये थी कि हम स्टेट पर जितने भी कर तो लाए हैं जितना एकदम भी हमारे कर बढ़ाओगे उतनी आना नहीं हम प्लीज हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल आया है बातें कही गई हैं इसलिए जवाब देना जरूरी है। सवाल ये खड़ा होता है क्या ईसा मसीह अगर ग्राम को सलीब दी गई है इसके अंदर डिफरेंट ओपिनियन पाए जा रहे हैं। चाहे सभी रूमों पर
साथ बैठे तमाम लोगों को रास्ता बताने के लिए दुनिया में आने की जरूरत है। ईश्वर की पूजा अनेक रूपों में की जाती है। कोई पत्थर को भी ईश्वर मानते हैं, कोई मूर्ति को भी ईश्वर मानते हैं, कोई गुरु गोसाई को भी ईश्वर मानते हैं, कोई अलग अलग नामों से भी ईश्वर को नाम मानते हैं। लेकिन आखिरी जो उनका इरादा होता है, चाहे वो पत्थर को मानते हैं, चाहे गुरु गोसाई को मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म गुरु को मानते हैं, लेकिन आखिरी जो अंदर का जो दिल होता है वो जिसको भी मानते हैं लेकिन भगवान को मानते, ईश्वर को मानते, अल्लाह को मानते अंदर से वो। तो अल्लाह की इतना रहम दिल है, बहुत सालों से आप लोगों ने और हम लोगों ने पुकारा हुआ है, और ये जो आप कहते हैं कि वो तमाम लोगों को रास्ता बताने के लिए वास्तव में आ चुका है, वो इस सृष्टि पर आ चुका है, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा वो नई सृष्टि की स्थापना के कार्य कर चुका है। इसलिए मैंने सबको दावत दी थी लास्ट मेरे पैगाम में कि जिसको आप अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो खुद आ चुका है। उसके लिए इन्होंने जो मदरसाएँ खोले हुए हैं उसमें जाकर के आप तालीम ले करके उसको समझ सकते हैं, उसका खुद अनुभव कर सकते हैं, रूह का अनुभव कर सकते हैं, उसका भी अनुभव कर सकते हैं, उसकी शक्तियों का भी आप अनुभव कर सकते हैं। इसके द्वारा मैं आप लोगों को उसको जानने के लिए दावत देता हूँ। लेकिन हम वो नहीं कर सकते। यदि हम वो प्रभु के न्याय के धोरण के मुताबिक नहीं पहुंच सकते अपने खुद के प्रयत्नों से, और प्रभु जब हमसे न्याय करे तो हम जिंदा रह नहीं पाते। प्रभु हमारे गुनाह को जब तोड़ते हैं, प्रभु हमारे गुनाह के मुताबिक हमसे न्याय करते हैं, तो हमारे लिए जिंदगी कोई आसान नहीं। कभी कहते हैं इतना पापी हूं, हम सब इतने पापी हैं, तो उनका इलाज क्या है? ये उनके पाप का रोग है लेकिन उसकी दवाई क्या है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और सबके पाप की गुनाह भुगतने के लिए पदस्तंभ मारे गए। वो मेरा ईमान है, वो मेरा तजुर्बा है, ये मैं मान रहा हूँ। इसलिए मेरे मन मुझे जीने की आशा है, इसलिए मुझे खातरी है कि प्रभु ने मेरे पाप माफ किए, मुझे नया जीवन दिया, मैं जाप किया। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के इधर ईमान लाता हूँ किस तरीके से, तो मुझे जीने की उम्मीद है। और स्वर्ग में भी प्रभु यीशु मसीह का ये जब प्रेम बताऊँ, मुझे जब इस जगत पर भुगतने को चांस देता है, तो स्वर्ग में भी मुझे स्वीकार करेगा, क्योंकि उसका न्याय का स्टैंडर्ड मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं दरिया में डूबता था, मुझे ऐसे आदमी की जरूरत, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो तैरना चाहे और मुझे बाहर निकाल और जो दरिया में मेरे पास आकर मुझे बचा। इसलिए प्रभु मसीह आए वधस्तंभ पर मेरे लिए, मैं तो डूबता था पाप में, वधस्तंभ पर मेरी शिक्षा को भुगतने के लिए वो आए हम सबके पाप के लिए। इसलिए मुझे नहीं आशा है, इसलिए मुझे तजुर्बा है, मुझे खातरी है, क्योंकि नहीं हो शिक्षा कभी भुगत नहीं सकता। मुझे मेरे से ताकत नहीं है, मेरे से संसद नहीं है, मैं कैसे वकीला का मास कर सकता हूँ, मैं कैसे कोटे का मास कर सकता हूँ, नहीं तो लेकिन मेरे पाप के लिए किसी को तो करना चाहिए। वो तो संभव हो गया, बात पूरा हो गया। मैं मोहम्मद इसाई ने कहा किया है कि इस्लाम सबसे तो वुमेन बिहाइंड द वेल एंड हाउ इस्लाम परफॉर्म की, लेकिन ये अगर इस बात को नहीं मानते
जो इंसान दुनिया के अंदर आया
भाई अगर घर भी रहेगी तो हम देखो डॉक्टर जो होते हैं वो हमेशा मर जो रहेगा उसको रूट कॉज में जाकर बाहर निकालते हैं। हम जो फैमिली प्लानिंग करके ये समझते हैं कि गरीबी का सोल्यूशन निकल जाएगा या फिर कम लोग रहेंगे तो खाने का, नहीं, गरीबी कोई काम ना। इस्लाम उसका हल है कि जो कोई भी इंसान के पास कहा है, जो कोई इंसान के पास पंचासी ग्राम सोना है तो उसे हर साल 2.5% सरकार देनी होगी। अगर ये 2.5% सरकार पूरी दुनिया के अंदर दी जाए तो सरकार यही गरीबी दुनिया के पैसे हमेशा के लिए मिल जाएगी। और डॉक्टर लोग ये भी जानते हैं कि जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब ये औरतें अपने छाती का दूध बच्चों को पिलाती हैं तो वो उस तरह की आखिर जब दूध पिलाती हैं डॉक्टर साहब अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब वो दूध पिलाएंगे तो चांसेस दूसरी बार उसका प्रेगनेंट बनने के बहुत कम हो जाते हैं। यही ये ऑलरेडी नेचुरली प्लानिंग है। अगर मैं बात समझते हैं कि मैं अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकता हूँ तो हम गए वरना पुरानी में लगा रखना है पुरानी ना Thank you.
और लड़कियां
नहीं बनाया, आप अगर इस चैलेंज को और आसान करेंगे क्या बनाया, क्यों बनाया, क्यों नंबर दो आई नंबर टेन को छोड़ के अंदर वन टू टू थ्री फाइव टू मानस चल रहा है आगे ना फाइव टू से टू रहते हैं मिट्टी क्या है तुम्हें मैं क्या बात करूँ डाउट वन टू टू थ्री फाइव टू मानस चल रहा है आगे ना हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान सुनाने के अगर तुम्हें डाउट है कि अल्लाह का कलाम नहीं है तो फातू पे सूरत मिट्टी थी कुरान का ये सही आया हुआ है मैंने पूरे का पूरा बताया और रखा थी और पूरे पूरे का पूरा बताया और रखा थी पूरा तो सुनने का बाबा ने रखा थी पूरा हो सुनने का लिया है मतलब तेरा पूरे सुनने का लगा था मराठी ये सब सुना के आप लफ्ज देखेंगे तो अल्लाह का कलाम मिस नहीं लेकिन जब आप कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर दो आयत नंबर 23 पढ़ेंगे तो अल्लाह और आप 14 साल का एक चैलेंज है किसी भी बात को बना नहीं सकते। अच्छा अब कुरान को बनाने के लिए लोग ये समझते हैं अरबी में बनाना पड़ेगा लेकिन अब कुरान को अरबी में बनाना पड़ेगा। कुरान ने एक एपिक टेस्ट का चैलेंज दिया जो तमाम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग नाम लिख बनाना है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर
लेकिन हम आ नहीं सके। तो ये कैमरा के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने अपने इस टेक्नोलॉजी से इंशाल्लाह आपको भाई और बहनों करके हम इस प्रोग्राम को पहुँचाएंगे जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और लास्ट में प्रेस वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कवरेज भी देंगे इंशाल्लाह। और बात करें तो दवा नहीं मिल जाएगा। اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد